So hi everyone, welcome to my channel. And for today, I will be talking about Indian classical literature important question answers for the temptation of Karna. So I have already provided you the dancing and the sequel of dancing in key important question answers. And now is the video of temptation of Karna. So the temptation of Karna जो है वो mainly based है Karna and Kunti के बीच में. That is Karna जो है वो एक मतलब Kunti के जो बेटे होते हैं, but Kunti जो है इनको पहले ही जन्म दे देती है अपनी marriage से. So उसको बाद जो है वो उनको abandon कर देती है and then उसके आगे की स्टोरीज में है एंड पूरे क्वेश्चन आंसर्स में कुछ इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं आपको, जो कि आपके पेपर में 101% जो है इनमें से कोई एक आ सकता है. सो बिकॉज इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स इसमें से नहीं बनते, दैट इज व्हाई आई विल बी डिस्कसिंग ओनली टू क्वेश्चंस. बाकी लेट्स सी विद द वीडियो एंड वीडियो को लाइक टेयर करके दैट इज 20 लाइक्स का अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए फॉर द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन 1. क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कर्णा एंड कुंती इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा. सबसे पहले है मतलब जो टेम्पटेशन ऑफ कर्णा है इसमें कर्णा और कुंती का रिलेशनशिप. सो इन दोनों का रिलेशनशिप तो मैंने आपको बता दिया, एक नॉर्मल रिलेशन क्या है, दैट इज कुंती इज द मदर ऑफ कर्णा एंड कर्णा वॉज बॉर्न बिफोर हर मैरिज. सो टेम्पटेशन ऑफ कर्णा जो है एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल चार स्टोरी है फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी और जो एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप बिटवीन कर्णा जो कि स्किल्ड वॉरियर है एंड कुंती जो कि बायोलॉजिकल मदर है उनकी. सो कुंती जो एक क्वीन है मदर ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज उन्होंने जो उनको छोड़ दिया था एंड देन शी आई थिंक शी गॉट मैरिड टू पांडवा. आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ. सो शी हैज गिवन बर्थ टू कर्णा बिफोर हर मैरिज विच आई जस्ट टोल्ड यू कि उन्होंने जो अपने बर्थ से पहले जो है कर्णा को जो जन्म दे दिया था. सो पांडु जो है वो अबंडन कर देते हैं, पांडु अबंडन कर्णा एट बर्थ. सो वो जो अबंडन कर देते हैं कर्णा को बिकॉज फियरिंग सोशल स्टिग्मा. तो उनको लगता है कि वो जो है उनके पास सोशल स्टिग्मा एक लग जाएगा, लोग उनको ऐसे समझेंगे कि मतलब शादी से पहले बच्चा कैसे हो सकता है. एंड ही वॉज रेज्ड बाय अ लो क्लास कैरियोटर, मतलब कैरियोटर जो है उनको जो है कर्णा को जो है उन्होंने रेस किया था, मतलब कर्णा को जो है एक लो कास्ट के लोगों ने उन्होंने रेस किया था. सो नाउ वी हैव द स्टोरी जो है वो सेट है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट वॉर एंड इन विच कर्णा जो फाइट करते हैं फॉर मतलब एक सेकेंड. या सो ये स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन फाइटिंग फॉर द कौरवास. तो वो फाइट करते हैं इन विच कर्णा जो फाइट करते हैं फॉर द कौरवास द राइवल्स ऑफ पांडवास और जो कि लेट करते हैं कुंती के 5 सन्स को. कुंती जो है हु हैड केप्ट हर आइडेंटिटी एज कर्णाज मदर एज अ सीक्रेट, वो लर्न करती है अबाउट इज ट्रू आइडेंटिटी एंड वो ट्राई करती है कि परसुएट कर सके उन्हें टू ज्वाइन द पांडवास, बट वो जो है उन्हें रिफ्यूज कर देते हैं. सो नाउ वी हैव इज जो रिलेशनशिप है बिटवीन कर्णा एंड कुंती ये कॉम्प्लेक्स है एंड फ्रॉट विद टेंशंस. ये इसमें डीप रिजेंटमेंट शो होता है टुवर्ड्स कुंती फॉर अबंडनिंग हिम एट बर्थ और वो डिनाई कर देती है हिज राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी. वो फील करती है बिट्रेड बाय हर अटेम्प्ट्स टू पर्सुएड हिम टू जॉइन द पांडवास एज ही सीज कि ये जो अटेम्प्ट है टू यूज हिम फॉर हर ओन गेन, तो ताकि वो जो उसको अपने गेन के लिए यूज कर सके. कुंती ऑन द अदर हैंड जो है इज टॉर्न बिटवीन हर ड्यूटी एज अ मदर एंड हर ड्यूटी एज अ सन. सो वो जो है दोनों बीच में फंस चुकी है बिकॉज उनकी ड्यूटी एज अ मदर, उनकी ड्यूटी एज अ सन्स, मतलब हर ड्यूटी टू हर सन्स एंड हर किंगडम, मतलब उनके किंगडम के प्रति भी कुछ ड्यूटीज है. एंड वो जो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है फॉर अबैंडनिंग कर्णा एंड वो चाहती है कि वो जो है अपनी इस गलती को सुधार सके, तो वो इस गलती को अमेंड करना चाहती है बाय ब्रिंगिंग हिम बैक इन टू द फोल्ड ऑफ पांडवास, कि ताकि वो पांडवास के बीच उसको मतलब करना या सो आई वर्क करेक्ट पांडा मतलब सो पांडु जो है मतलब पांडवास के जो फादर थे उनसे उनकी मैरिज हो जाती है एंड वो ट्राई करती है कि कर्णा को जो वापस से वो ला सके उनकी फैमिली में, दैट इज पांडवास फैमिली में. एंड वो मोटिवेट होती है बाय द डिजायर कि वो प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट हर सन्स एंड इंश्योर देयर विक्ट्री इन द वॉर. एंड इसी तरह याद रखना कि जो स्टोरी है वो रेज करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ ड्यूटी एंड द लॉयलिटी इन द फैमिली रिलेशनशिप. मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है कि क्या होता है कि ड्यूटी का में रोल मतलब फैमिली में रोल क्या होता है और लॉयलिटी क्या होती है एक फैमिली रिलेशनशिप में. सो कर्णा की जो लॉयलिटी है टू द कौरवास वो रूट होती है इन सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फ्रेंड एंड बेनिफिक्ट दुर्योधन. सो एंड हिज ओन सेंस ऑफ ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. कुंती जो है ड्यूटी होती है उनकी, कुंती ड्यूटी एज अ मदर इज कॉम्प्लिकेटेड बाय हर रोल एज अ क्वीन मदर एंड उनकी हर ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट हर किंगडम. ऑल्सो वो प्रोटेक्ट तो किंगडम को करेंगी बट उनको अब जो है करना मतलब जो उनका बेटा है जिन्होंने उसको बचपने में मतलब अबंडन कर दिया था, नाउ शी हैज हर ड्यूटी फॉर हिम ऑल्सो. सो नाउ वी हैव इज या जस्ट गिव मी सेकंड या सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी ये जो हाईलाइट करती है स्टोरी द ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयलिटीज
मतलब ये स्टोरी जो एंड होती है और उसमें ट्रेजिक वन को सारी पता चलती है चीजें, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चलता है। कर्ना जो ड्राई हो जाता है, कर्ना डाइज ऑन द बैटल फील्ड, सो कर्ना की जो डेथ हो जाती है, बिट्रेड बाय हिज ओन ब्रदर एंड फ्रेंड, तो वो अपने भाइयों से और फ्रेंड से जो बिट्रे किया जाता है। वाइल कुंती इज लेफ्ट टू ग्रैपल विद द गिल्ट एंड रिग्रेट ऑफ फेलिंग ऑफ हैविंग फेल्ड टू रिकनसाइल विद हर सन, सो वो मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में होती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ जो वापस से मिल भी नहीं पाई, और मतलब मिल नहीं पाई एक टाइप से कि उनको वो फ्यूचर नहीं दे पाई जो कि उन्होंने अपने बाकी पांडवास को दिया था, मतलब पांचों बच्चों को दिया था। ओवरऑल जो रिलेशनशिप है बिटवीन कर्णा एंड कुंती इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इमोशनली चार्ज्ड है। वन डेट रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ड्यूटी, लॉयलिटी एंड द बॉन्ड्स ऑफ फैमिली। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एनालाइज द एथिकल डिलेमास इन द एपिसोड ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा। मतलब आपको बताने कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल डिलेमास, डिलेमास इज लाइक प्रॉब्लम्स या डिलेमास इज लाइक, हाँ डिलेमास इज टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि कौन कौन से जो डिलेमा मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन से डिलेमा में होते हैं। सो जो टेम्पटेशन है कर्णा, ये एक एपिसोड है फ्रॉम द इंडियन एपिक महाभारत, वेयर जो करेक्टर है कर्णा का वो फेस करता है सेवरल एथिकल डिलेमास, और सम जो एथिकल डिलेमास के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज कर्णाज लॉयलिटी। सो कर्णा जो है वो क्लोज फ्रेंड होते हैं दुर्योधन के, दुर्योधन ही संबंध जो कि कौरवास के साइड से होते हैं। Who was the antagonist of in the महाभारत, मतलब वो जो है अब महाभारत के मतलब कह सकते ना कि एक मेन लेड फॉरवर्ड होते हैं, कि मतलब वो चाहते थे टू कि महाभारत जो है वो हो, डेट महाभारत विल हैपन और शुड हैपन। सो दुर्योधन जो है वो सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट किया था कर्णा को व्हेन ही वाज ऑस्ट्राइज्ड और ऑस्ट्रेसाइज्ड या ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम सोसाइटी ड्यू टू द हिज लो कास्ट बैकग्राउंड। इन रिटर्न जो कर्णा है वाज फियर्सली लॉयल टू दुर्योधन। However, जो कर्णा थे उनको पता था that the Pandavas, who were his half brothers, were on the right side of justice. So, उसको पता था कि वो जो right side है justice के, कर्णा जो मतलब जो कर्णा जो है वो फेस करते हैं कर्ण, या आई थिंक इसको कर्ण बोलना चाहिए और कर्णा, आई डोंट नो बट आई थिंक इट शुड बी कर्ण, सो नाउ आई विल से कर्ण ओनली। सो कर्ण जो है वो फेस करते हैं विद द एथिकल डिलेमास ऑफ चूजिंग बिटवीन हिज लॉयलिटी टू हिज फ्रेंड और डूइंग वट इज राइट। सो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक बहुत ज्यादा डिलेमा में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अपने किसको चूज करना चाहिए, एक तो होता है सच्चाई को और दूसरा होता है अपने फ्रेंड को। तो मोस्टली टाइम में पता है आप लोग बोलोगे सच्चाई को चूज करना चाहिए, बट अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा होगा ना तो आपको भी लगेगा कि यार वो मेरा फ्रेंड है और दूसरा मेरा, जैसे हम कहते हैं ना आपकी क्लास में जो एक बात हो रही है पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात हो रही है, सो या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करो और दूसरा ऑप्शन है कि आप जो सच्चाई को जो सच्चाई है उसे सपोर्ट करो। तो मोस्टली बच्चे अभी कहेंगे नहीं हम सच को सपोर्ट करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल रियलिटी लाइफ सो आप मोस्टली अपने फ्रेंड को ही सपोर्ट करोगे। सो कर्णा जो है सेंस ऑफ ड्यूटी, सो नेक्स्ट वी हैव इज द कर्णा सेंस ऑफ ड्यूटी नाउ, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ, या सो कर्णा सेंस ऑफ ड्यूटी नाउ, यस सो कर्णा सेंस ऑफ ड्यूटी। कर्णा जी एक वॉरियर होते हैं एंड हैड बीन प्रॉमिस्ड द पोजीशन ऑफ द किंग ऑफ अंगा बाय दुर्योधन। सो हाउएवर जो कर्णा जी है वो जानते हैं, ऑल्सो न्यू दैट ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर, कि वो अपने भाइयों के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि कर्णा जो है पांडवास के भाई थे पर वो लड़ किसके वजह से मतलब किसके साइड से थे, कौरवास के साइड से। सो कर्णा जो वो फेस करते हैं एथिकल डिलेमास ऑफ फुलफिलिंग हिज ड्यूटी एज अ वॉरियर एंड फ्यूचर किंग और फॉलोइंग हिज कॉन्शियसनेस एंड फाइटिंग फॉर द साइड ऑफ जस्टिस, मतलब वो सही साइड से नहीं लड़ रहे, वो अपने फ्रेंडशिप की साइड से लड़ रहे हैं। सो कर्णास का ऑनर के बारे में बात करें, सो इस एपिसोड में बताया गया कि जो लॉर्ड इंद्र है दैट इज द किंग ऑफ गॉड्स, वो डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मिन एंड आस्क कर्ण से ये आस्क करते हैं फॉर हिज आर्मर एंड इयर रिंग्स विच वर बिलीव टू मेक कर्ण इनविंसिबल। सो कर्ण जो वो प्रॉमिस करते हैं अपनी मदर को डेट ही वुड नॉट रिफ्यूज एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राह्मिन, एंड कर्णा जो है वो फेस करते हैं विद द एथिकल डिलेमा ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस टू हिज मदर एंड वो गिव कर देते हैं अपने ऑनर हिज ऑनर जिसकी मैं सेकंड या सो हाउएवर जो वो मतलब अपने मदर को जो है वो जो फुलफिल नहीं कर पाते उनकी ड्यूटी एज अ वॉरियर एंड अ फ्यूचर किंग कर्णा सेंस ऑफ ड्यूटी, आई थिंक वी वर ऑन दिस वन, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ आई विल जस्ट चेक दिस वन। Yes, so now it is, I think it will clear for you and because मेरे लिए भी पूरा पेज जो बहुत ज़्यादा clear रहेगा now. So right now we have is कि वो जो है अपनी mother का जो मतलब, yeah, this one, we are on Karna's honor.
सो वो जब अपनी मदर का प्रॉमिस जो वो फुलफिल नहीं कर पाए थे एंड ही वुड नॉट रिफ्यूज एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राह्मण, कर्ण जो वो फेस करते विद द एथिकल डिलेमा ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस टू हिज मदर और गिविंग अप हिज ऑनर एंड पॉसिबली लूजिंग द वॉर. सो नाउ वी हैव हिज कर्णास आइडेंटिटी. सो वो हमारे पास है कर्णास आइडेंटिटी का एक मेन टेक्स्ट, दैट इज कर्ण की आइडेंटिटी क्या होती है. सो कर्ण वॉज रेज्ड एज द सन ऑफ कैरियोटर एंड बट ही वॉज द एक्चुअल सन ऑफ द सन गॉड. वो एक्चुअली जो सन होते हैं सन गॉड के मतलब बेटे होते हैं वो. एंड कर्ण जो हैड टू चूज बिटवीन हिज लॉयलिटी एंड द अडॉप्टिव फैमिली एंड हिज ट्रू आइडेंटिटी. मतलब या तो वो अपनी मतलब सच्चाई को चूज करे, डैट इज की वो पांडवस को चूज करे, या फिर जिनकी उनकी फैमिली किसको सपोर्ट करती है, डैट इज अडॉप्टिव फैमिली जो उनको किस पे सपोर्ट करती है, डैट इज कौरवास को, तो वो उनको सपोर्ट करे. सो ओवरऑल जो एपिसोड है टेम्पटेशन का ऑफ कर्ण का, वो हाईलाइट करते सेवरल एथिकल डिलेमास इंक्लूडिंग लॉयलिटी, ड्यूटी एंड ऑनर एंड आइडेंटिटी. और ये जो एपिसोड है वो शो करते हैं दैट मेकिंग द राइट डिसीजन इज इन एन एथिकल डिलेमा कैन बी चैलेंजिंग एंड वंस चॉइस कैन हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. इसका जो है रिजल्ट जो है वो बहुत ही अलग हो सकता है. एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली. एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना. ऑल्सो इसका एक टास्क है इस वीडियो का, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कमेंट्स बताना है कि आपने मतलब जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम का रियल टाइम क्या हो रहा है. एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं वीडियो जब बना रही हूँ सो टाइमिंग इज 2:20 AM, मतलब रात के 2:20 हो रहे हैं व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है रात को, इतनी रात को जगना एंड फिर वीडियोज बनाना एंड अभी इसकी पूरी वीडियोज़ की तैयारी करनी है ताकि ये कल आपके पास तक पहुँच सके. सो फॉर दिस यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बिकॉज माई मेन प्लान इज कि जब तक ये आपके पेपर खत्म हो रहे हैं डैट इज आई थिंक अराउंड 15 मार्च, सो 15 मार्च तक जो है इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए, विच ओनली यू पीपल कैन गेट दिस पॉसिबल. सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक टारगेट इज 20 likes. Bye bye.